2008 में मुंबई में होने वाले इजरायली सेंटर पर हमले में जो उस लॉन में लगे गरज के दरख्त के पीछे छुपे हुए थे वो लोग तो बच गए जबकि बाकी सब लोग मारे गए थे। इसके बाद फौरन इस दरख्त की प्लांटेशन में मजीद इजाफा कर दिया गया और अब इंडिया में भी इसको बहुत तेजी से लगाया जा रहा है। इंडिया के महाराष्ट्र में 5 करोड़ गरगद के दरख्त को लगाने का टारगेट है जिसको लगाने में इजराइल की हिमायती तंजीम RSS और बजरंग दल बहुत मेहनत कर रही है और जमीनी सतह पर इसके लिए तेजी से काम कर रही है। इसी के साथ राजस्थान में भी 5 करोड़ दरख्त लगाने का ऐलान किया गया है जिसमें से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा गरगद के दरख्त लगाए जा चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2014 के बाद से इजराइल और इंडिया के ताल्लुक बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। साथ ही इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिसमें मुसलमानों की आबादी भी बहुत है। साथ ही इंडिया की हुकूमत मुसलमानों की मुखालिफ है जिसका फायदा उठाते हुए इस वक्त इस गरगद की प्लांटेशन बहुत तेजी से की जा रही है और इसका सारा का सारा फंड इजराइल दे रहा है। इसके अलावा भी यहूदी इस दरख्त को तमाम मुसलमान मुमालिक जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब जैसे तमाम मुल्कों में इस दरख्त की प्लांटेशन की जा रही है। कहीं ईसाई मिशनरी से ये काम अंजाम दिलवाया जा रहा है तो कहीं लालची सियासतदान ये काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में इस दरख्त की काश्त के पीछे कादियानियों का हाथ बताया जा रहा है जबकि हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तानी हुक्मरान खुद इतने लालची हैं, साथ ही यहूद के हाथों की कठपुतलियां हैं, वो जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं वैसे इनको नचाते हैं। इसलिए ये भी मुमकिन है कि पैसों के लालच में इन जमीर फरोशों ने खुद इस दरख्त को पाकिस्तान में लगवाया हो। सेव गरगद ट्री मगर कीमत 10 पाउंड, सेव गरगद टी शर्ट कीमत 37 पाउंड, सेव गरगद हैंडबैग, सेव गरगद परफ्यूम और ना जाने कितनी चीजें जो आज मार्केट में सेव गरगद ट्री के नाम से प्रमोट की जा रही हैं और पब्लिक में इस दरख्त को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ तक कि इसकी बिक्री से हासिल होने वाली रकम यानी पैसा गरगद की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये गरगद है क्या? दुनिया भर में इसकी फार्मिंग के लिए यहूद इतने बेचैन क्यों हैं? इसे शैतानी और दज्जाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया? आज हम अपने इस वीडियो में गरगद के पुरअसरार हकायक से पर्दा उठाएंगे। गरगद एक जंगली दरख्त है जो खारदार की झाड़ी की सूरत में होता है। गरगद को इंग्लिश में बॉक्सथ्रोन और यूनानी में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 मीटर का होता है जबकि इजराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरगद की दरख्त की ऊंचाई इससे कई गुना ज्यादा लंबी होती है और बहुत घने होते हैं। इस्लामी तारीख में गरगद का जिक्र हिजरत के फौरन बाद मिलता है जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हजरत असद बिन जर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकी अल गरगद कहलाती थी। बकी उस जगह को कहते हैं जिसके अंदर दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं और उस जगह पहले गरगद की झाड़ियां थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाई। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुकैया, हजरत फातिमा और साहबजादे हजरत इब्राहिम और कई साहबाए रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो अजमईन इसी जगह सुपुर्द खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किलाए खैबर फतेह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इन दरख्तों को काटने का हुक्म दिया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक और शाम में बसा दिया। उन्हें खैबर की जमीनों के बदले दूसरे मकामात पर जमीनें दे दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौरे खिलाफत के आखिरी जमाने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था। लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन जगहों पर गरगद की काश्त करने की इजाजत दे दी जहाँ वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली गरगद के पेड़ को काटने का हुक्म क्यों दिया था जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे लगाने को सदकाए जारिया बताया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान भी दरख्त लगाए और खेती बाड़ी करे उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा
अलावा जंग के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये हिदायत दी थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलान को ना काटा जाए और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरगत के दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और कुर्बे कयामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम ना होगी यहाँ तक के मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक के यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर और दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्लाह, ये यहूदी मेरे पीछे है, आ और इसे कत्ल कर दे, सिवाय गरगत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सरीन ने गरगत के दरख्त को यहूद का दरख्त, गूंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में, खासकर इंजील में, शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलेमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राह खोलते और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते हुए आ रहे हैं। और यही वजह है कि यहूदी आज भी गरगत के दरख्त को अपना पासवान मानते हैं, जो कयामत से पहले होने वाली अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलने वाले हर अल्फाज की सच्चाई पर यकीन है, लेकिन ये हठधर्मी हैं। इनमें हसद, बुग्ज और तकव्वुर है, जिसकी वजह से ये वो तस्लीम नहीं करते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज यहूदी गरगत की प्लांटेशन में बहुत तेजी से लगे हुए हैं। यहूदी हुकूमत पिछले 40 साल से गरगत की प्लांटेशन में मशरूफ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक 24 करोड़ गरगत के दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 30 से 40 किलोमीटर तक सिर्फ गरगत के पेड़ ही लगे हुए हैं। इसराइल में हर यहूदी के घर, उनके पार्क, बिल्डिंग और आसपास फुटपाथ पर गरगत लाजमी लगा हुआ दिखाई देता है। फिलिस्तीनी उलेमा का कहना है, बिला शक व शुबा इसराइल में गरगत के दरख्त लगाकर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई का वक्त नजदीक कर दिया है। खैबर में हारने के बाद यहूदियों के पास न कोई मुल्क था और न ही कोई फौज, लेकिन 20वीं सदी में उन्होंने पहली बार फिलिस्तीन पर कब्जा करके इसराइल की बुनियाद रखी। लिहाजा वो अपने रिहायशी इलाकों में इस दरख्त को खूब लगा रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का खात्मा भी यरूशलम में ही होना है और यरूशलम शहर कुर्बे कयामत में जंगों का मरकज भी होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद जरूरत उन्हीं इलाकों में है। मार्केट में गरगत को मजीद मशहूर करने और आम करने के लिए गरगत के दरख्त वाली तस्वीर की टी शर्ट, कैप, परफ्यूम, बैग और बहुत सारी चीजें बेची जा रही हैं। अगर हम इस टी शर्ट के लोगो को गौर से देखें तो हमें इस गरगत वाले लोगो में एक मर्द और एक औरत इस दरख्त के पीछे छुपे हुए नजर आ रहे हैं, जो इस बात को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है कि गरगत को आखिर इंटरनेशनल लेवल पर क्यों प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर कितना यकीन रखते हैं। जूश नेशनल फंड में आने वाले तमाम इस रकम को गरगत के दरख्त को लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तंजीम का मकसद ही दुनिया भर की तमाम जगहों से चंदा जमा करके उस तमाम रकम को दरख्त लगाने पर ही खर्च करना है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने 1999 यानी 1999 में खुद इस दरख्त को लगाकर गरगत की काश्त को पब्लिक के बीच अवामी सतह पर जोर दिया है। यहूदी और नसारा आज आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने के बावजूद आज भी उनके हर अल्फाज और पेशन गोई पर पुख्ता यकीन रखते हैं।